खालिद खान, सैफ वर्ल्ड न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। भाजपा किसान मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष पद पर नियुक्त होने के उपलक्ष्य पर पहुंचे नूरपुर छिवरी राष्ट्रीय हिंदू रक्षा सेना के जिला महामंत्री रणजीत सिंह दारा। भाजपा किसान मोर्चा जिला उपाध्यक्ष पद पर नियुक्त होने पर बधाई देने के लिए पहुंचे राष्ट्रीय हिंदू रक्षा सेना के जिला महामंत्री एवं न्यू प्रेस क्लब शेरकोट अध्यक्ष रणजीत सिंह दारा ने फूल माला एवं पगड़ी बांधकर अभिषेक कोहली के निवास पर पहुंचकर बधाई दी, जिसमें साथ रहे अभी तक न्यूज चैनल पत्रकार डॉक्टर नईमुद्दीन शेरकोट भाजपा बूथ अध्यक्ष 142 नंबर के खुर्शीद आलम अंसारी ने भी भाजपा किसान मोर्चा जिला उपाध्यक्ष बनने की खुशी में खुर्शीद आलम अंसारी ने अभिषेक कोहली को हृदय की गहराइयों से अभिनंदन एवं बधाई दी। मोहल्ला फतेहनगर कस्बा शेरकोट के युवा एवं समाज सेवी निशांत चौहान ने भी अभिषेक का फूल मालाओं से स्वागत साथ में रहे। शिक्षक हरदीप कुमार, निशांत चौहान, मोनू कुमार, मनमोहन उर्फ ब्रिजपाल भैया, छोटे कश्यप, योगेश कुमार आदि लोग उपस्थित रहे। बोलिए क्या? मेरा नाम अभिषेक कोहली है और मेरा गांव है नूरपुर छिपरी। मैं 10 वर्ष की आयु में स्वयं सेवक बना और बचपन से ही मेरा कोई राजनीतिक परिवार मेरा राजनीति में नहीं है, कोई विरासत नहीं है। तो 10 वर्ष की आयु में स्वयं सेवक बना था, घर वालों का सहयोग रहा, माता पिता का सहयोग रहा। मैं संघ में भी कुछ समय मैंने कार्य किया, फिर मैं पूर्णकालिक के रूप में भाजपा विस्तारक के रूप में शामली विधानसभा में, चंदौली जनपद की सैयद राजा विधानसभा में और उधर की विधानसभा में भी मैंने पूर्णकालिक विस्तारक के रूप में कार्य किया है। पिछले 2 वर्षों से मैं क्षेत्र में सक्रिय रह करके संगठन का कार्य कर रहा था और अब मेरे कार्य को देखते हुए मेरे शीर्ष नेतृत्व में आदरणीय जिलाध्यक्ष जी ने, क्षेत्र नेतृत्व ने मुझे किसान मोर्चा जनपद बिजनौर का जिला उपाध्यक्ष का दायित्व दिया है। मैं हृदय की गहराइयों से उनका धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ और विश्वास दिलाता हूँ अपने संगठन को कि जो संगठन द्वारा मुझ पर उम्मीद जताई गई है, मैं उसका पूर्ण रूप से शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूँगा। मोदी योगी जी की जो किसानों के संबंध में चल रही है, मैं उन योजनाओं को जन जन तक एवं घर घर तक पहुँचाने का काम करूँगा। अब इसका आगे क्या विचार है आपका? अब ये संगठन ने जो दायित्व दिया है, अब 2022 को देखते हुए जिस प्रकार से विपक्ष एक तरह से सरकार के प्रति गुमराह करने का काम कर रहा है, झूठे बातें कर रहा है, मैं जितना भी मेरे से होगा अपने क्षेत्र में अपने समाज में मैं गिलहरी की भांति उसमें कार्य करूंगा। सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को किसानों के प्रति उनको समझाने का और उनके बीच में रह करके उनकी समस्याओं को सुनने का काम करूँगा। हर खबर को सबसे पहले जानने के लिए जुड़े रहें सैफ वर्ल्ड न्यूज़ से। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।